विगत 11 वर्षों से आउटसोर्स बेस गैस राहत विभाग के तहत राजधानी भोपाल में 6 हॉस्पिटल में कार्यरत 175 कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। इसको लेकर कर्मचारियों में खास रोष है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके नाम से सरकार से पूरा पैसा आ रहा, जबकि BSNL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसमें 50% कटौती कर रही है। कर्मचारियों ने बताया कि इस समस्या से गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग को भी अवगत कराया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। कंपनी ने उन्हें कम राशि में ही काम करने का अल्टीमेटम दिया है। कंपनी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की भी चेतावनी दे रही है। परेशान कर्मचारियों ने आरिफ मसूद फैंस क्लब के जावेद मंसूरी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से भेंट कर उन्हें इस समस्या से अवगत कराया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। इंडिया में ये गैस के कर्मचारी हैं, सब इन लोगों को बेचारे 13-14 साल से काम कर रहे हैं। BSNL कंपनी ने ठेका लिया, फिर दूसरे को दे दिया। मंत्री से ये मिले हैं, बात हुई है, मैं भी बात करूंगा विश्वास सारंग जी से, और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ही बात करूंगा। ये सब भोपाल के काम करने वाले लोग हैं और इन्होंने 14 साल 13 साल 12 साल एक संस्था में लगाए, और लगाने के बाद ये नहीं होना चाहिए था कि एकदम 15-20 हज़ार 25 हज़ार सैलरी पाने वाले को 5,000-6,000 रुपये लिया। जो कठिनाइयाँ बताई हैं वो वाजिब लगती है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और मैं सरकार से बात करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।